Hello students, we are studying the topic profit and loss. Here we see some types of questions which is depend on profit and loss. Let me see. Question number 1. If the cost of 10 greeting cards is equal to the selling price of 8 greeting cards, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट. इसमें कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स, यदि 10 ग्रीटिंग कार्ड्स की कॉस्ट जो है वो 8 ग्रीटिंग कार्ड्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है तो उसमें हमें गेन होगा या लॉस होगा. ठीक है, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन. हम इसमें कॉस्ट प्राइस एज्यूम करेंगे. लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कार्ड बी एक्स. बी एक्स तो उसने कहा था कि 10 ग्रीटिंग कार्ड्स का कॉस्ट, तो सीपी ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स, ये सीपी सेलिंग प्राइस 8 ग्रीटिंग कार्ड का है ना, तो इसलिए इसने सीपी भी 8 ग्रीटिंग कार्ड्स का ही लिया है. ठीक है, किससे लेंगे, सेलिंग प्राइस से. तो सीपी ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8x, 8 इंटू एक्स, क्योंकि 1 का तो है एक्स, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8x. फिर SP of 8 greeting cards किसके इक्वल है, 10 greeting cards की कॉस्ट के इक्वल, 10 greeting cards की कॉस्ट के इक्वल. तो वो इसने लिख दिया SP of 8 greeting cards is equal to CP of 10 greeting cards. 10 greeting cards के CP के इक्वल है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 10 into X is equal to 10X. 10 into X is equal to 10X. ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि कॉस्ट मानी जाएगी x, क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ईच कार्ड की. फिर किस पे डिपेंड करता है, कितने सेलिंग सेल करें उसने, तो 8 सेल करें तो 8 का ही हम सीपी निकालेंगे, 8 का ही हम सीपी निकालेंगे, तो सीपी ऑफ 8 कार्ड्स इज इक्वल टू 8x. ठीक है, और SP ऑफ 8 कार्ड्स किसके इक्वल है, सीपी ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स के, तो हमने लिख दिया सीपी ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स, तो 10 ग्रीटिंग कार्ड्स का सीपी कितना हो जाएगा, 10x. ठीक है, तो 8 कार्ड का तो सीपी हो गया 8x और 8 कार्ड का एसपी हो गया 10x. ठीक, तो सीपी आ गया 8x और एसपी आ गया 10x. तो एसपी ज्यादा है सीपी से, तो ये हो गया एसपी ज्यादा है सीपी से, तो क्या होगा यहाँ पे, देयर इज ए गेन. यहाँ क्या होगा, गेन. तो गेन क्या होता है, एसपी माइनस सीपी. एसपी था 10x और सीपी कितना था, 8x, तो दोनों को क्या कर दिया, माइनस, तो कितना आ गया, 2x. कितना आ गया, 2x. अब ये फॉर्मूला लगा दिया गेन परसेंट का, गेन अपॉन सीपी इनटू 100. गेन हमेशा गेन परसेंट किस पे निकलता है, सीपी पर. तो 2x रखा ऊपर, गेन हमारा ये था 2x और सीपी कितना था, 8x, तो 8x रखा नीचे और इनटू 100, एक्स से एक्स कैंसिल. ठीक है, 4 आया, 4 से 100 को डिवाइड करा तो कितना आ गया, 25. तो कितने परसेंट का गेन हुआ, 25% का. तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे, तो पहले हम उनका सीपी एज्यूम करेंगे एक्स, और उसके बाद जितना सेलिंग प्राइस लिया है उसने 8 ग्रीटिंग कार्ड्स का, तो 8 का ही हम सीपी निकालेंगे और 8 का ही एसपी निकाल लेंगे, और फिर देख लेंगे कि एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है. एसपी ज्यादा है तो यहाँ गेन हो गया, और हमने गेन निकाल करके फिर उसका गेन परसेंट निकाल दिया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2. इसमें कहा गया है बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ एट ड्रेपर लॉसेस एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लोथ, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट. यदि कोई सेलर 33 मीटर कपड़े को बेचता है तो उसे कितना लॉस होता है, उसको लॉस होता है 3 मीटर क्लोथ की सेलिंग के इक्वल, 3 मीटर की सेलिंग के इक्वल. ठीक है, किसके इक्वल, 3 मीटर की सेलिंग के इक्वल. ठीक है, तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, तो उसमें क्या बताना है, उसका गेन और लॉस परसेंट बताना है. ठीक, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन. ये देखिए, तो इसमें लॉस क्या बताया था, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी. तो उसने लिया सीपी ऑफ 33 मीटर और एसपी ऑफ 33 मीटर. सीपी में से एसपी जाएगा, जब भी 30 वो आएगा लॉस. तो लॉस कितना कहा था उसने,
लॉस होता है एसपी ऑफ 3 मीटर के इक्वल। लॉस कितना होता है? लॉस उसको होता है एसपी ऑफ 3 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो हम देखेंगे ये लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना ऊपर की साइड, तो वो आ गया एसपी ऑफ 3 मीटर इज इक्वल टू सीपी ऑफ 33। ये वाला आ गया सीपी ऑफ 33 माइनस एसपी ऑफ 33 मीटर। लॉस के नीचे क्या लिख दिया हमने, ऊपर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लॉस कितना बताया था एसपी ऑफ 3 मीटर के इक्वल है, उसको ही लिख दिया हमने एसपी ऑफ 3 मीटर। अब ये यहाँ पर हमारे माइनस में था, जब इधर से इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो वो ये कर दिया हमने एसपी ऑफ 33 प्लस एसपी ऑफ 3। ठीक है, इधर जाकर के किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, ये रहा प्लस में, और ये हमारा एज इट इज रह गया इधर ही सीपी ऑफ 33 मीटर। 33 का एसपी ये और 3 का ये, तो दोनों को जब प्लस करेंगे 33 और 3 कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे हमने एसपी मान लिया 36, वो किसके इक्वल हो गया सीपी ऑफ 33 के इक्वल, सीपी ऑफ 33 के इक्वल। अब ये क्वेश्चन सेम वैसे ही बन गया जैसे इससे पहले हमने कहा था कि 33 मीटर सीपी का की जो कॉस्ट होगी वो किसके इक्वल होगी एसपी ऑफ 36 मीटर के इक्वल। ठीक है, वही क्वेश्चन बन गया, फिर से हम वही मान लेंगे इसमें, लेट द सीपी ऑफ 1 मीटर बी एक्स, बी एक्स जैसे वहां माना था एक्स। अब हम, मैंने बताया था एसपी के बेस से ही हम सीपी निकालते हैं, तो एसपी कितना है हमारा 36, तो उसी के बेस से सीपी निकाल लेंगे, सीपी ऑफ 36 मीटर इज इक्वल टू 36 एक्स इज इक्वल टू 36 एक्स, 1 मीटर की तो एक्स, तो 36 की कितनी हो जाएगी 36 एक्स। उसके बाद फिर एसपी ऑफ 36 मीटर, एसपी ऑफ 36 मीटर किसके इक्वल है सीपी ऑफ 33 के इक्वल। ठीक है, तो वो यहाँ लिख दिया सीपी ऑफ 33, तो सीपी ऑफ 33 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 की तो है x, 1 का तो x, तो 33 का कितना हो जाएगा 33x, कितना हो जाएगा 33x, cp हो गया 36x और sp हो गया 33x, तो cp 36 और sp 33, तो क्या ज्यादा है हमारा cp ज्यादा है, क्या ज्यादा है cp, जब cp ज्यादा हो और sp कम हो तो क्या हो जाता है लॉस, क्या हो जाता है लॉस, मतलब ज्यादा में खरीदा कम में बेका, तो हम लॉस निकालेंगे, लॉस का फॉर्मूला होता है cp माइनस sp, सीपी माइनस एसपी, तो सीपी ये रहा, ये लिख दिया 36x और एसपी 33 है तो वो लिख दिया 33 और दोनों को माइनस करके कितना आ गया 3x। ठीक, अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, लॉस लिखा 3x, एसपी लिखा, सीपी लिखा 36x और इनटू 100, एक्स से एक्स कैंसिल। ठीक, अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, अब 4 से काट लेंगे, 4 3 जा 12 और 4 से गया 25। ठीक है, 25 को जब 3 से आ गया 25/3 और 25 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 8 जा 24, 1 8 होल 1/3, तो ये 8 होल 1/3 का इसको क्या हो गया लॉस, इतने परसेंट का इसको लॉस हो गया। ठीक है, इतने परसेंट का क्या हो गया इसको लॉस। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, और जितना का सेलिंग प्राइस होगा उतने का ही सीपी निकाला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। ये भी सेम उसी टाइप सा है कि 12 कैंडल्स की कॉस्ट किसके इक्वल है 15 कैंडल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल, फाइंड द लॉस परसेंट, लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन, ये देखिए, तो मैंने बताया था एक्स मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, लेट द सीपी ऑफ ईच कैंडल इज इक्वल टू रुपीज एक्स। तो इसमें क्या मान लिया जाएगा, इसमें मान लिया जाएगा कि सीपी उसका वन कैंडल का कितना है एक्स, और हमें कितनी कैंडल्स का सीपी, 12 कैंडल्स का, तो सीपी ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू 12x। ठीक, मैंने बताया था आपको 15 कैंडल के बेस से निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ 15 कैंडल्स इज इक्वल टू किसके इक्वल दिया हुआ है 12 कैंडल के, तो हमने लिख दिया सीपी ऑफ एसपी किसके इक्वल है सीपी ऑफ 12 कैंडल्स के, तो वो कितना हो जाएगा सीपी ऑफ 12 कैंडल का 12x। ठीक है, तो एसपी 15 कैंडल्स के कितना आ गया 12x, कितना आ गया 12x। फिर हम 15 कैंडल्स का ही क्या निकालेंगे सीपी,
क्योंकि SP 15 कैंडल का है तो CP भी 15 का ही होगा, क्योंकि क्वांटिटी सेम रखी जाती है। तो CP ऑफ 15 कैंडल्स इज इक्वल टू रुपीज 15x, क्योंकि 1 का x तो 15 का कितना हो जाएगा 15x। CP हो गया 15x और SP हो गया 12x। SP क्या हो गया 12x, ठीक। तो हमारा क्या ज़्यादा है, CP 15x और SP है 12x, तो CP ज़्यादा है। तो जब CP ज़्यादा होता है SP से तो क्या होता है लॉस, तो क्या होता है लॉस, तो लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP कितना है 15x और SP कितना है 12x, जब दोनों को माइनस करा 15 में से 12 गया 3x, यह आ गया लॉस। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस अपॉन CP इंटू 100, तो लॉस था हमारा 3x और CP हो गया 15x और ये हो गया इंटू 100, x से x कैंसिल, ठीक है। इसके बाद 3 से इसको डिवाइड करा, 3 5 जा 15, 5 से 100 को डिवाइड करा, 5 2 जा 10 और 0, कितना आ गया 20%, कितना आ गया ये 20%। तो हमें इस केस में क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो CP मान लेना है ईच ईच थिंग का, चाहे वो कैंडल हो, चाहे वो वाटर बॉटल हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो हमने ईच का मान लिया x, CP निकाल लिया 12 कैंडल्स का 12x, और वो SP 15 कैंडल्स के इक्वल है तो CP ऑफ 12 कैंडल लग दिया 12x, फिर CP ऑफ 15 कैंडल निकाल लिया, वो आ गया हमारा 15x, तो CP 15x का 15 कैंडल का आ गया और SP भी 15 कैंडल का आ गया, दोनों को कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में है, ए मैन परचेज सम एग्स एट 3 for 16, कुछ मैंगो कुछ एग्स परचेज करें 3 egg 16 rupees के एंड सोल्ड देम 5 for 36 और सोल्ड कर दिए 5x 36 के रेट से, दस ही गेन्ड 168 इन ऑल, उसको कितने का गेन हुआ 168 का, हाउ मैनी एग्स डिड ही परचेज, उसने कितने एक्स परचेज किए, तो कितने मान लेंगे एक्स, कितने मान लेंगे एक्स, देखिए, ठीक है। इसमें एज्यूम कर लिया, लेट द नंबर ऑफ एक्स परचेज इज इक्वल टू एक्स, कितना मान लिया एक्स, ठीक। अब कितने एक्स बेचे थे, खरीदे थे उसने, 3x खरीदे थे 16 के रेट से, तो CP ऑफ 3x इज इक्वल टू रुपीज 16, तो 1 का निकाल लेंगे, CP ऑफ 1x इज इक्वल टू 16/3, और कितने एक्स परचेज करें एक्स, तो एक्स का निकाल लेंगे, CP ऑफ XX इज इक्वल टू, क्या कर देते हैं जब एक से ज्यादा हो, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो एक्स की मल्टीप्लाई कर दी 16/3 में, तो आ गया 16/3 इंटू एक्स। फिर SP निकाला, SP ऑफ 5X इज इक्वल टू 36, ये दे दिया 36, 5 बेचे हैं 36 के रेट से, तो ये आ गया SP ऑफ 5X 36। फिर SP ऑफ 1X निकाल लिया 36/5, कम के लिए डिवाइड, फिर SP ऑफ XX, तो ये 1 का इतना हो गया, तो X का कितना होगा, X की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो CP भी आ गया हमारे पास और SP भी आ गया, ठीक है। और क्या पूछा था उसने, गेन कितना हुआ है, गेन, तो गेन में क्या होता है, SP ज़्यादा होता है, तो हमें पता ही है जब गेन होता है, तो हमने क्या निकाला, गेन, गेन का फॉर्मूला लगाया, गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP, SP माइनस CP, और कितना गेन बताया था 168, तो वो लिख दिया 168, ठीक है। SP के नीचे SP लिख दिया 36/5x और CP के नीचे लिख दिया CP 16/3x इज इक्वल टू 168, दोनों का LCM लेंगे, 5 और 3 का 15 आएगा, 5 से इस 5 से इस 3 15 को डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 3 की मल्टीप्लाई 36 में करेंगे, 3 6 जा 18, 1 बचे, 3 3 जा 9 और 1 10, ठीक, x माइनस, अब 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, 3 5 जा 15, 5 से 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 जा 80 x, और जब दोनों को माइनस करेंगे 80 को और इन दोनों को कितना जाएगा 28x, 28x अपॉन 15, वही आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया 168, ये था 168 लिख दिया। अब क्या करेंगे, x को तो रोक लेंगे यहीं पर, ये रोक लिया x को, और ये जब ये इतना पोर्शन इधर से उधर जाएगा ट्रांसफर होकर, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है, इनवर्स में हो जाता है, 15 नीचे था अब ये पहुंच गया ऊपर, और 28 ऊपर था, 28 पहुंच गया नीचे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब हमने सॉल्व करेंगे तो 28 किससे कट जाएगा, 4 से, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 7 6 जा 42,
और 6 की मल्टीप्लाई 15 में करी, 15 6 जा 90, तो कितने एक्स परचेज करे उसने, 90। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एक्स मान करके, कितने एक्स परचेज करे थे एक्स, और एक्स की वैल्यू आ गई 90, तो इसलिए उस आदमी ने कितने एक्स परचेज करे थे, 90। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कही है, ए डीलर सोल्ड ए कैमरा फॉर रुपीज 1080 गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। एक डीलर ने कैमरे को सेल किया है, कितने में सेल किया है, 1080 में, और उसे कितना गेन हुआ है, 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का कितना, कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस एक्स मान ली जाएगी इसमें, फिर गेन निकाल लेंगे। अब उसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, पहला तो ये पूछा है कॉस्ट प्राइस बताओ, दूसरा पूछा है गेन परसेंट भी बताना है कि उसने कितने परसेंट गेन लिया। हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एसपी ऑफ द कैमरा इज इक्वल टू रुपीज 180, फिर लेट रुपीज एक्स बी द सीपी। कितना मान लिया सीपी हमने इसका, एक्स रुपीज, मैंने पहले बताया था आपको एक्स मान लेंगे। अब गेन निकालेंगे, गेन क्या बताया था, 1/8 ऑफ सीपी, तो इसने वही कर दिया है, गेन इज इक्वल टू रुपीज 1/8 एक्स इंटू एक्स, एक्स क्या है सीपी, तो इसलिए इसमें इंटू कर दिया गया है एक्स की, तो 1/8 एक्स, तो गेन क्या हो गया, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, गेन इज इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। फॉर्मूला ये, तो एसपी तो हमारा दिया हुआ है 1080, तो 1080 को लिख दिया, और सीपी कितना है एक्स, तो वो एक्स लिख दिया। ठीक है, अब हम गेन के नीचे क्या लिखेंगे, ये वाला 1/8 एक्स, और बाकी यही चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये आया, अब हमने क्या लिया, गेन था, गेन के नीचे 1/8 एक्स लिख दिया जो हमने निकाला था, वो आ गया, और ये इसको एज इट इज ये लिख दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसकी, इसकी करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, पूरे में, इस पूरे में 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा ये, और 8 की एक्स में करेंगे तो 8x। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई करी तो आ गया 8640 माइनस 80, ठीक, 8 माइनस 8x, और जब 8x इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का, तो हो गया x प्लस 8x और इज इक्वल टू यही वाला नंबर आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर, ठीक है, 8 और 1 9x, ये आ गया 9x। ठीक है, आ गया 9x, और ये एज इट इज ये आ गया। इसके बाद फिर x निकल, x को यहाँ रोक लेंगे, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 8640 अपॉन ये यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो गया, डिवाइड में, तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 9 जा 81। ठीक है, और कितने बने बचे, 5 और 4, 8 6 जा 54, और 0 बचा 0, तो ये आ गया 960। क्या आ गई ये सीपी, क्या आ गई ये सीपी। अब हम गेन निकाल देंगे, गेन क्या आया था हमारा, गेन ऊपर देखिए पहले ही लिख लिया था हमने, गेन इज इक्वल टू रुपीज 1/8x, तो वही लिख दिया यहाँ पे 1/8x, और x की वैल्यू क्या रख दी हमने, x की वैल्यू लिख दी 960 जो हमारी निकल करके आई थी, वो ये लिख दी x की वैल्यू, और अपॉन में 8 लिख दिया। जब 8 से डिवाइड करा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और 0 का 0, 120 कितनी आ गई गेन, 120। अब उसने पूछा था गेन परसेंट, क्या पूछा था, गेन परसेंट, अब हम निकाल रहे हैं गेन परसेंट, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें याद ही है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, तो गेन 120, सीपी आ गया 960, और 960 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 से ये गया 12 8 जा 96, 4 से काट लिया 4 2 जा 8, और 4 से ये गया 25। अब 2 से जब 25 को डिवाइड करा, तो डिवाइड करके क्या आ गया, 12 होल 1/2%, 12 होल 1/2%, इतने परसेंट का इसको गेन हुआ। ठीक है, तो हमने सीपी माना, सीपी के बेस से फिर गेन ले लिया 1/8x, उसके बाद फिर गेन निकाल लिया एसपी माइनस सीपी करके, वो लगा दिया, और गेन के नीचे गेन लिखा, और वो पूरी इक्वेशन चलती चली गई। फिर हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू गेन में रख दी, गेन आ गया, फिर हमने गेन परसेंट निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6, उसमें है ए डीलर गेट्स रुपीज 940 मोर इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए टेबल एट ए लॉस ऑफ 10% इट इज सोल्ड एट ए गेन परसेंट गेन ऑफ 10%। उसने ये कही है कि उसने, एक डीलर है, डीलर ने
एक टेबल को सेल करा है लॉस पर 10% के, यदि वो उस 10% के लॉस की जगह उसे 10% के गेन पर यदि बेचता तो उसे कितने का फायदा होता? 940 में ज्यादा में बेचता वो, कितने ज्यादा में बेचता? 940 में। यदि जितने में उसने टेबल अब बेची, यदि वो उसे 940 ज्यादा में बेचता तो अब उसे लॉस हुआ है 10% का, फिर उसे क्या हो जाता फायदा? 10% गेन का। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टेबल, तो कॉस्ट ऑफ द टेबल बतानी है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये देखिए, तो कॉस्ट मान लेंगे x, क्या मान लेंगे? कॉस्ट x। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल बी x, लॉस कितना कहा था उसने? लॉस कहा था 10%, तो x का कितना निकाल दिया? 10%, तो वो कितना आ गया? 10x upon 100, ठीक है, 10x upon 100। इसके बाद में हम क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया x upon 10, ठीक है। इसके बाद फिर SP निकाल देंगे, SP इन केस ऑफ लॉस, CP माइनस लॉस, तो वो क्या आ गया हमारा? CP था X और लॉस था हमारा x-10। CP कितना था, लॉस कितना था हमारा? x-10, तो हमने CP में से इसको माइनस कर दिया, x-10 को, तो कितना आ गया? 9x upon 10। उसके बाद में हमारा गेन परसेंट, उसने दोबारा क्या कही है? गेन परसेंट 10% है, तो उसने फिर से गेन परसेंट लिख दिया 10%, तो 10% एक्स का निकाला, तो कितना आ गया? 10 upon 100 into x, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x upon 10 का गेन हो गया, तो SP इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? CP plus profit, तो CP कितना है हमारा? x, CP कितना है? x, और गेन कितना हो चुका है? x plus 10, जब इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया प्लस करके? 11x upon 10, तो दोनों CP आ गए, ठीक है। यदि वो लॉस पर बेचता तो SP इतना होता, और यदि वो गेन पर बेचता तो SP कितना होता? ये इट इज गिवन दैट डीलर गेट्स 940, वो 940 रुपीज में ज्यादा में बेचता, यदि उसे फायदा लेना होता, उसे इतने रुपए लेने होते तो कितने में ज्यादा बेचता? इससे 940 ज्यादा में बेचता, तो दोनों को क्या करेंगे? माइनस। तो वो इसने कहा है प्रॉफिट ऑफ 10% इंस्टेड ऑफ द लॉस ऑफ 10%, तो क्या हो जाएगा? SP इन केस ऑफ प्रॉफिट माइनस SP इन केस ऑफ लॉस, SP इन केस ऑफ प्रॉफिट माइनस SP इन केस ऑफ लॉस, दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है सेलिंग प्राइस में? 940 का, तो वो इसने माइनस कराया, तो गेन वाला 11x upon 10 ये लिख दिया, और लॉस वाला 9x upon 10 वो ये लिख दिया, और दोनों को क्या करा? माइनस, और वो कितना आएगा? 940 के इक्वल। जब दोनों को माइनस करा, 11 में से 9 गया 2x upon 10, अब x को यही रोक लेंगे, मैंने बताया था 2 अपॉन 10 था, जब इधर जाएगा वो इनवर्स में हो जाएगा, तो इनवर्स में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? 940 इंटू 10 अपॉन 2, 10 तो ऊपर पहुंच गया, 2 नीचे, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 2 5 जो 10, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4700 आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई टेबल की? 4700, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है वसीम बॉट 2 क्रिकेट बैट्स फॉर ₹840। वसीम ने 2 क्रिकेट बैट्स परचेज करे हैं 840 में, और दूसरा करा है 360 में रेस्पेक्टिवली। ही सेल्स द फर्स्ट बैट एट ए गेन ऑफ 15%, उसने पहला जो बैट परचेज किया वो करा 15% पे, और दूसरा जो बैट सेल किया, पहला तो सेल किया 15% के गेन पर, और जो दूसरा सेकंड वाला करा वो 5% के लॉस पर करा। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजैक्शन, उसको दोनों को बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये बताना है। तो हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इसका क्या है सॉल्यूशन। तो उसने फर्स्ट बैट का लिखा पहले, किसका? फर्स्ट बैट का। अब ये देखिए, सीपी ऑफ फर्स्ट बैट दिया हुआ है 560, कितने पर बेका था? 15% के गेन पर, तो 15% के गेन पर बेका था, तो फॉर्मूला वही लग जाता है, एसपी ऑफ फर्स्ट बैट इज इक्वल टू, जब हमें सीपी दिया हुआ हो और गेन परसेंट दिया हुआ हो तो फॉर्मूला क्या लग जाता है? 100 plus gain% upon 100 into CP, ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आपको। तो यह आ गया 100 plus gain% की जगह 15 upon 100 into 560,
इसके बाद क्या करा हमने, 15 और 100 को प्लस कर लिया तो वो आ गया 150 और 100 और इनटू 560। तो हमने जब इनको कैंसिल करा, 0 से 0 कैंसिल और 5 से ऊपर काटा, 5 टू जा 10 और 5 थ्री जा 15, 5 से नीचे काटा, 5 टू जा 10, 2 से इसको काटा, 2 टू जा 4 और 2 एट जा 16, 23 और 23 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 644। इसके बाद फिर सीपी ऑफ द सेकंड बैट निकाला, सीपी ऑफ सेकंड बैट कितना है हमारा, सीपी ऑफ सेकंड बैट इज इक्वल टू 240। कितने में खरीदा, 240 में, और कितने पे बेचा, 5% लॉस पर। तो एसपी ऑफ सेकंड बैट क्या हो जाएगा, जब हमें सीपी दिया हुआ हो लॉस परसेंट, तो वहां तो गेन था तो प्लस कर दिया, यहाँ लॉस है तो माइनस कर देंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, तो 100 माइनस 5 अपॉन 100 इंटू 240, 5 माइनस करा तो 95 अपॉन 100। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काट लिया, 2 5 जा 10, 2 से कट गया 12, और 5 से काटा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और 19 2 जा 19 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो ये आ जाएगा 228। तो दोनों एसपी आ गए, एक एसपी ये रहा और दूसरा एसपी ये रहा, तो हम दोनों एसपी को प्लस कर लेंगे और दोनों सीपी को प्लस कर लेंगे, क्योंकि जब ही हम लॉस या प्रॉफिट देख पाएंगे। तो टोटल सीपी पहले बैट का था 560 और दूसरे बैट का सीपी था 240, वो ये रहा, दोनों को प्लस कर दिया, टोटल सीपी आ गया। ऐसे ही टोटल एसपी निकाल लेंगे, पहले बैट का एसपी था 644, वो ये लिख दिया 644, दूसरे बैट का था 228, वो ये लिख दिया, दोनों को प्लस करके ये लिख दिया, तो सीपी तो हो गया 800 और एसपी हो गया 872। तो एसपी ज्यादा है तो क्या हो गया, एसपी ज्यादा होने पर गेन, क्या हो गया गेन, क्या हो गया इसमें गेन, तो हम देखेंगे गेन कैसे। तो सिंस एसपी मोर देन सीपी लिखा हुआ है, देयर इज ए गेन इन होल ट्रांजेक्शन, क्या होगा इसे, होल ट्रांजेक्शन पर गेन, तो गेन का फॉर्मूला लगा दिया। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी आया था और सीपी आया था 800, जब दोनों को माइनस करा कितना आ गया 72, कितना आ गया 72, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला लिख दिया, गेन अपॉन टोटल सीपी इंटू 100, गेन था 72 और टोटल सीपी था 800। अब क्या करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है, 8 से काटा, 8 9 जा 72, तो 9% होल ट्रांजेक्शन पर कितना, मतलब दोनों को बैट को बेचने पर, उसे एक को 5% के गेन पर बेचा और दूसरे को 5% के लॉस पर बेचा, तो जब दोनों को बेच दिया उसने तो कितने परसेंट का फायदा हुआ सर, टोटल में फायदा हुआ 9% के गेन का, ठीक है, 9% के गेन का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसमें देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज इक्वल टू द 6/5 इट्स कॉस्ट प्राइस, टीवी सेट का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है, 6/5 कॉस्ट के, उसकी जो कॉस्ट है यदि उसमें हम 6/5 की मल्टीप्लाई कर दें तो उसके इक्वल है उसका सेलिंग प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट। तो सीपी मान लेंगे इसमें एक्स, सीपी कितना मान लेंगे एक्स, वो देखिए अब हम देखते हैं, ये देखिए, लेट द सीपी ऑफ द टीवी सेट बी रुपीज एक्स, बी रुपीज एक्स, कितना मान लिया एक्स। अब हम क्या करेंगे, उसने कहा था 6/5 है उसका एसपी, तो एसपी ऑफ टीवी सेट इज इक्वल टू 6/5 इंटू सीपी, तो 6/5 लिखा और सीपी कितना मान लिया था एक्स, तो एक्स लिख दिया, तो रुपीज 6/5 इंटू एक्स, ये हो गया एसपी, एसपी ये हो गया, सीपी ये हो गया, गेन पूछा है तो गेन क्या होता है, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी लिखा था 6/5x और सीपी लिख दिया एक्स, जब इन दोनों को माइनस करा तो कितना आ गया x/5, कितना आ गया x/5। अब गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, गेन कितना था x/5 और सीपी को लिख दिया एक्स इंटू 100, अब 5 तो नीचे आ जाएगा और x से x इसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x वन जा x वन आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 100 में करी 100 आ गया और 5 नीचे रह गया, 5 के हो गया, तो 5 से जब 100 को डिवाइड करा तो कितना गया 20%, कितना गेन हुआ उसे 20% का।
ये कैलकुलेशन आपकी समझ में आ चुकी होगी आई थिंक। यदि नहीं भी आई हो तो दोबारा देख लीजिए, एक्स और एक्स नीचे है ही, और ये 5 था वो नीचे 5 एक्स के साथ आ जाएगा इंटू 100, ये प्रोसीजर बन जाएगा इसका। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा, वो ये रहा 20%। ठीक है ना, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और हमारा टॉपिक यहीं पर ही क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।